मसा मसा जेड़ा है ना ला बटखल इकट्ठा कीता है और साडा काम भी तकरीबन तकरीबन ना अद्धा हो चुका है और हुण मैं रोटी खा के फिर जेड़ा है ना काम करते हैं। सुबह की बारिश होने लगी है कम अज़ कम 10 बजे की और मेरे ख्याल एक बज गया 12 एक का टाइम है और हाले तक बारिश बस करो नावन दी हूँ चलो अंदर चलो बच्चे ना ना के जड़ा है ना पागल होए पेने और बारिश रुकन का नाम ही नहीं दे रही। सीमेंट आया पे लेकिन ना मैं बारिश तुम चल के दिखाना बच्चे अगे पिछे नार है मोरा होया पे देखो ना बारिश का सारा पानी जो है ना इसके अंदर जा रहा फिर मिंट ला छट 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 कर 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 बंद सारा पानी इतने अंदर जा रहा है फिर बिस्मिल्लाह रहीम अस्सलाम वालेकुम जी की हाल सारे भैन भाइयों के कल व्लॉग इस करके नहीं आया सी पहले 10 दिन एक तो 10 मारन की छुट्टी की और दूसरा व्लॉग बना रहे थे पहले तुम दो क्लिपा वेखियां कल सारा दिन बारिश हुई थी और दो क्लिपा बनाईया सी लेकिन अचानक ना दिल तब्दील हो गया कि आज ना व्लॉग कर रहन देने तो इस करके जो है ना फिर मैं बनाया ही कोई नहीं अचानक ही अंदरों की आवाज़ आई है कि आज नवाज साहब व्लॉग रहन दो मैं चलो जी अज रहन दें और कल समझ लो कि असी ना मुआहदा किया कि मिस्त्री चाहे नाम ही आया ना पक्का कर लिया ज्यादा कि सुबह समझ लो कि मिस्त्री नाम ही आया ना तो खुद जिमें पहले कर लिया ना आप ही कर लवेंगे क्योंकि देखो ना यह हालत कल मैं देख के ना मैं क्या अपना घर जेड़ा गा नहीं बचता मिस्त्री उड़ीकते रहे ना तो इबरार भाई ने फोन किया इबरार भाई आ गया होना मिट्टी वगैरह चक के उस घर में असं सट रहे हैं पूरे इस घर चू मसल कचरा वगैरह खत्म कर रहे हैं मिट्टी सट के उस तो बाद उधर जेडे गंबले वगैरह पे ने सारे इमान फातमा कुर्सियां वगैरह धो रही है ए जेडे गंबले वगैरह पे ने सारा ए कचरा वगैरह जिन्ना क नज़र आ रहा ना भाई साहब ये सारी होने लगी है जी इस घर के टोटली सफाई और बाकी जेड़ा थोड़ा बहुत कच्चा घर अगली साइड रहा यह भी जी फ्रैश लगन लग गया बेहतरीन करके और इनकी भी कटाई वगैरह करने हैं क्योंकि ना थले तक ना हो गया इनकी कोई समझ ही नहीं आ रही है भी सारा समान चुका दें और ए आला ए जे कबाड़ कबूड़ पिया ये भी कि साइड ते ला हाँ ये वेच दे बाल दे कि सिट सुट दे और यह वाली जगह असं साफ करते पे हाँ एक बार तो किचन दीवार बनाई सी हूँ ना एक बार डाह रहे एक बार सारा पक्का फर्श करके ना फिर बाद वे दीवार वगैरह जी है बनावे इंशाल्लाह एक अद्धा दिन मिस्त्री का होर इंतजार करते रहे ना तो अगर एक दो बारिशा होर हैवी चंगी तकड़ियाँ आ गई ना तो साडा किचन भी गिर सकता है मकाना तक भी पानी जा सकता है इस करके मैं कह रिसक नहीं लेंदे खुद ही कर लें इस करके अज ना खुद ही कर लगे हैं इन जो अच्छी तरीके बंद करा लैबा कह रही है मुर्गी अंडा ला रही है और उन देखो कीड़ा है किथे कीड़ा है पेट बढ़ गया और मुर्गी साडा अंडा जेड़ा है ना देखो किथे आके लांदी तंदूर दे विच अंडा आके लांदी भई है चल बाहर निकल जा हेलो सारिया इटा जेड़िया ना साइड ते कर दित्तियां ने और ए देखो भाई बरार ने इट चक्की है थलो इन्ना वड्डा जेड़ा ना होल बहुत ही गहरा होया पे इतने भी मेरे ख्याल बारिशों का पानी लेंदा रहा सारा का सारा इन तसली ना बंद करके ना साइड से ना दीवार बना लगे हैं ताकि ए जगह ना क्योंकि इधरों की इंज करके ना निवान है पूरा बराबर करके ना इस जगह मिट्टी की परथी दे के फिर जेड़ा क्या फर्श लावे दीवार पहले लगी हुई सी लेकिन वह दीवार हैगी सी कच्ची बनी हुई और हुण वाली जी दीवार बनानी ना वो सीमेंट की चुनाई करा ताकि ना गिरे ना दोबारा दोबारा अच्छी तरीके बंद कर दें फर्श में इस तरह कच्चा ही लाण की सोच रहा जिम्मे मिट्टी वगैरह पई है ना एक जी करके ना अच्छी तरीके थोड़ी बहुत कुटाई करके ना इनके उपर ही जरा फर्श ला दी फिर सोचना कि अगर मजबूत फर्श बनाना है ना सारी लाइफ टाइम वास्ते फिर ए रोड़े वगैरह कुट के ना उपर छोटी छोटी बजरी करके ना इन रोड़िया पक्या की फिर उपर जरा फर्श लाया जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनेगा लेकिन एक मसला इस गल का है कि अर्जेंट उतू बारिश वगैरह भी हो सकती अगर अज के दिन डिले करने रोड़े वगैरह कुट के सट्टे सुबह फर्श लाइए तो फिर अगर बारिशा वगैरह फिर दोबारा शुरू हो गई तो नुकसान वगैरह मजीद हो सकता है क्योंकि बदलों का मूड बनया हुआ हाले तक ना
15 अगस्त तक उन्होंने कहा है कि मौसम वाले ने कि बारिशा वगैरह होनी ने हाले तक तो समझो कि 15 दिन बारिशा का पैया ने मिसाला वगैरह जोड़ा है ना इतने बनवा रहे हैं छां ते ही मैं कहना सूरज है जिन्हें काफ़ी तेज़ निकल रहा धुप पै गई और इस साइड तो मिसाला काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनेगा आराम सुकून तो छां ते ही बन जाएगा जो सह वगैरह कड़ना तो एक सह ही कड़ लिया करा और इसके अलावा दूसरा जो मसला है सी भाई साहब वो भी हल हो गया वो मसला है सी कि अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह करवानी सी ना तो भाई इबरार कह रहा मैं भी कर लैंना और मेरा वड्डा भाई हैगा वो भी अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह जी ने बिजली की कर लेंगे मैं चलो ये भी हाल मुके अज जगा ए करके और सुबह अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह करके और उसके अलावा हूँ या ही मिस्त्री कोई मिलता है ना प्लस्तर वगैरह करावन वाला फौरन इंशाला शुरू हो जाएगा काम काम जरा ना अलहमदुल्ला शुरू कर दिता है सब तो पहले इस साइड के नाल दीवार बना रहे हैं ताकि इस साइड से जो पानी वगैरह आता है ना इस साइड तो ना गुजरे सारा एक साइड तो जो पानी जगह बना और दूसरा इन पक्या कर रहे हैं गारा जोड़ा है ना बना लिया दो बार इस साइड तो दिते ने सोच रहे हैं एक बार होर दे देने ताकि थोड़ा जिहा उच्चा हो जाएगा और बेगम साहबा नाल बना रही है भाई साहब रोटी पानी का बंदोबस्त कर रही है और अज पक रही ने देसी तोरिया आलू देसी तोरी पका नहीं खाली देसी तोरिया पका मैं तो कहना आलू भी कट लेने लै भी आलू बोयल हो रहे हैं और काफ़ी सारे बहन भाइयों के कमेंट आवे नवाज साहब असं पहली बारी आलू तो देसी घी तोरी पकती वेख रहे हैं असं काफ़ी दफा पका चुके हैं असं हर चीज़ आलू पा लें भिंडी आलू करेला आलू देसी तोरी में ही आलू पै जाते हैं अज तुम पा के दिखावे भी किस तरीके बनदिया ने देसी तोरी और आलू की सब्जी आम ज़्यादातर बनाता कोई नहीं लेकिन असं घर बना लेंगे और मेरा मसाला आ चुके है जी तीन बार जोड़े है लाए ने और एक बार उपर जरा हाले होर देना लेकिन इटा खत्म हो गई मैं सोचा भाई बराह ने क्या हैलिया इटा जी पट लीए तोड़ता किमें फजूल खड़िया ने और क्योंकि इन्ना उच्चा फर्श लाना भी कोई नहीं है यहलियाँ पट लें इधर इस्तेमाल कर लें और अज मजबूरन मैं खुद में जरा मिस्त्री बनना पै गया चलो सही आ समझो कोई 1500 रुपया 1600 जो मिस्त्री ने देना वो किसी होर काम जो ला लवेंगे सालन रेडी हो चुके हैं और बेगम साहब आटा गुंद रही है साडा काम भी तकरीबन अद्धा हो चुके है और हुण मट्टी वगैरह सट के थोड़ी बहुत कुटाई करांगे अगर थोड़ी बहुत नरम रहेगी तो इस जगह तो रोड़ी वगैरह कुट के सड़ लवेंगे पक्की जगह जी है ना उस साइड तो एडा मसला कोई नहीं बनना अगर थलों थोड़ी जी भी रैपोली रहेगी ना तो इस जगह तो अगर उत्ते फर्श वगैरह लावे ना तो फर्श जरा ना फट जाएगा एक तो अज गर्मी जी है ना बहुत ज़्यादा हैगी और फैसला होया जी काफ़ी टाइम सोचा मैं क्या ना पोली जगह होनी है जिस जगह पर मट्टी वगैरह नवी पा रहे हैं ना इस जगह तो रोड़ी कुट के पा लेने लेकिन अथौड़ी नहीं मिल रही अथौड़ी एक मिली है और इनका भी जोड़ा है ना नाल कोई चीज़ बच्चे कोई नहीं है हूँ इनू बांस में कट के इंदे जो है ना पाते हैं और इनू कट के पाण वास्ते चाहिए कुआड़ी और कुआड़ी हूँ नहीं मिल रही बंदा किड़े पास जाए रोटी पक के तैयार हो चुकी है और रोड़े वगैरह कुट रहा मैं और इतने चोट भी लग गई तुम दिखाव मैं है देख इन्नी एक सारी और मैंने लगी है अथौड़ी और बेगम साहब रोटी वगैरह पका रही है रोटी खा के फिर जोड़ा है ना काम करते हैं डिगू है रोटी पक गई हो गई दस से डिगन लगी है अग ज्यादा है बिच है भी ना डिग जा जगह ना माशाला साफ सुथरी होके ना जो मुकम्मल हो गए ना फर्श बड़ा खूबसूरत लगे क्योंकि हम हाले इन्नी सारी सफाई की है ना तो कि जगह जबरदस्त लग रही है हाले फर्श वगैरह सारा लग गया ना तो मजीद आखिरी लोग जी तुम दिखाने किस तरह नजर आती है मिसाला साडा सारा बनया पिया पानी हाले तक नहीं पाया क्योंकि काम जोड़ा है ना उधरों खत्म करा इको जहा करके फिर जरा पानी पावे पहले पानी पाता ना तो खराब हो सकता मिसाला अलहमदुल्ला जी रोटी साड़ी आ चुकी है और अज पक्के हुए जी आलू और गिया तोरी माशाल्लाह नाल तंदूर दियाँ रोटियाँ इस मुर्गी नाल ना बड़ी बुरी हुई है हुण हाल हल पा तेन कहने के असं इधर आज इतने आके अंडे वगैरह दें तो बहुत है तंदूर अग बाली हुई थी
शुक्र है जेड़ा ना तंदूरी चिकन नहीं बने अगली बोलते आईए कि इतने जो अंदर जाके बहनी अंदर बड़ी है तो अगू बंदे पैर वगैरह सड़े ने बच गई है सारी सैटिंग जिहड़ी ना कंप्लीट हो चुकी है सिर्फ इन उत्ते मसाला वगैरह तैयार हो रहा उपर जिहड़ा ना पाना और हाले तक फर्श तैयार होया नहीं। सफाई बड़ी चीज़ है किन्ना साफ सुथरा निजाम हो गया लेकिन इस साइड ते हाले तक गंद पिया होया क्योंकि इस साइड साफ करके इधर पाता लेकिन यह भी इस्तेमाल हो जाणियां ने जिन्नियां क नज़र आ रही ने तुहानू की कहिंदे ने इट्टां वगैरह सारियां ही। और दिन तकरीबन ना लत्थण वाला घंटा डेढ़ पिया हुआ असि असल तो ना काफ़ी लेट असी जिहड़ा ना शुरू होए तकरीबन 12 बजे काम स्टार्ट किया भाई बरार काफ़ी लेट आया सी इस करके हलो हाँ जी शर्मीला और गारा साडा हुण तैयार हो रहा क्योंकि सारा काम सानू जिहड़ा ना खुद ही करना पै गया मिस्त्री वगैरह हैगा कोई नहीं सी अगर मिस्त्री हुंदा तो हुण तक जिहड़ा ना काम ऐला शुरू ही हो जाना सी। मसाला बन के रेडी हो चुके है और हुण चलते हैं चल के जी गड़माला वगैरह का बंदोबस्त करते हैं और करते हैं जी लपाई वगैरह इंशाल्लाह। अज तो कुछ गर्मी जी ना ज़्यादा ही लग रही मसाला वगैरह बन गया सी और कैमरा मैन मेरे को है कोई नहीं बेगम साहब काम वगैरह कर रही और बच्चे जोड़े सारे ट्यूशन पढ़ने चले गए हैं और सूरज ग्रूब होने वाला है इन्ना सारा जोड़ा है ना काम हो गया और बाकी तकरीबन अद्धे न हाले तक ना ज़्यादा फर्श पिया होया और सूरज ग्रूब होने वाला थोड़ा जहा ही जरा रह गया और तकरीबन सन तो समझ लो कि ना बिल्कुल शाम की रात हो जाएगी जो काम करते हैं करते हैं कुछ इस तरीके जो है ना फर्श वगैरह लग रहा हूँ जिनी मर्जी बारिश हो जाए आज रात तक ना हो कल तो बारिश जिनी मर्जी हो जाए फिर हूँ टेंशन बिल्कुल जरा सारे भी नहीं होगी आराम सुकून सो सकते क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा मसला सी कि इतने कदे मोरा हो जाता कदे इतने कदे इतने कदे किधरे कदे किधरे पक्का हो जाएगा ना बिल्कुल जिहड़ा ना टोटल घर एक तो जिहड़ा ना मट्टी गट्टा बिल्कुल खत्म हो जाएगा जो मट्टी वगैरह नज़र आ रही है ना सिर्फ दो तीन दिन आ रही है जिवें ही एक बार मुकम्मल तौर पर मट्टी घर चो निकल गई ना सफाई वगैरह होगी तो कोई चीज़ फिर नज़र नहीं आएगी क्योंकि सारी मट्टी इस जगह तो ही पैदा हो रही थी ये जगह सारी पक्की होगी सारे बाकी कमर के फर्श ही पक्के ने भी पक्का है गार्डन वाली सारी जगह तकरीबन सारी पक्की आ फिर कोई टेंशन नहीं होनी। कपड़े सुबह पाए सी बुरे हाल होए पैने मेरे भी और कपड़िया दे पानी मैनू ही देवी परिंदे भी अपने घर जा रहे ने और असी हाले तक जो है ना काम कर रहे हैं इन्ना सारा टोटा जो रह गया बाकी सारी परू पक्का करके आ गया हूँ यही दुआ करनी कला करे रात में जी है ना बारिश ना आए नहीं तो साड़ी सारी मेहनत खराब हो जानी हाले तक तो चांद जिहड़ा है ना वो भी निकलिया होया बिल्कुल मौसम ना बिल्कुल फ्रैश साफ सुथरा कोई बारिश के इमकान वगैरह कोई नहीं है लेकिन अल्लाह के कमां दा जिहड़ा ना पता कोई नहीं हो भी सकती कोई आख्या नहीं जा सकता। और अज मैं काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा ना थकिया अब्दुल रहमान मेरे ख्याल आया हाले तक कोई नहीं ट्यूशन गए हुए ने अब्दुल रहमान नहीं आया भाई भाई आ गया भाई आ गया बोल ही नहीं रहा बस रह तो हूँ थोड़ा जहा गया अल्लाह खैर करता बस थोड़ी देर तक मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। बच्चे हूँ ट्यूशन पढ़ के आए ने मैं से मेरा कैमरा मैन पहुँच गया और हूँ जेड़ा है ना अपना तुम रूटीन दिखाने की कुछ हो रहा है लेकिन कम जेड़ा ना अलहमदुल्ला इबरार भाई तो मैं 12-1 बजे दे 12-1 बजे लगे सी ना 12 बजे शुरू होए सी हूँ तकरीबन मेरे ख्याल 7 बज गए होने 7 बज गए ने हाले तक साडा काम सिर्फ 4-5 किन्ने के बठल पए ने 5-6 बठल पए ने एक ए विच मिक्स करके ओ साडा काम ही तकरीबन ना कंप्लीट हो गया अलहमदुल्ला। उम्मीद है कि हुण जिहड़ा है ना बारिश जिन्नी मर्जी आ जाए परेशानी नहीं बनेगी। दूसरी गल है सब तो वड्डी कि रात नूं जिहड़ा है ना दुआ करनी कि रात नूं बारिश ना होवे अगर रात नूं बारिश होगी ना तो साडा सारा जिहड़ा मेहनत खराब हो जावे या अल्लाह पाक रात नूं बारिश ना आवे बस ते बाकी हुण मुकम्मल करके जिहड़ा तुहानूं दिखाउणा आ आखिरी जिहड़ा है ना बठा रह गया वह मेन मुल्क पूरा करते पे और मैं मिस्त्री तो कोई नहीं लेकिन ना कारीगर मैं जंतर मैन उन वजह यह है कि तकरीबन एक इन्ना सारा जो गारा है ना जाया नहीं हुआ बिल्कुल पूरा पूरा आया बल्कि मसा पूरा आ रहा है मेल मुड़ के लैके जा रहे जगह भी तकरीबन थोड़ी जी रह गई है मसा मसा जो है ना बठल इकट्ठा किया
और अल्लाह करे पूरा आ जाए तुम विखाना उन्हें। और हाले असी सौन की जेडे मंजे मुंजे कुछ भी नहीं बनाया, बेगम साहब हूँ तैयारियां कर रही है। और शुक्र है कि लाइट वगैरह हैगी साढ़े को, सिर्फ और सिर्फ यह आला तो यह जो खुश्क नज़र आ रहा ने पहले दसी किया हो पहले जो किया और यह आई जगह रह गई सिर्फ है थोड़ी जी, बाकी सारा कंप्लीट हो गया जबरदस्त। सुबह लै चल खबला और बुरे हाल होए भैन भाई साहब दे भी और मेरे भी पसीनो पसीनी। चलो जी इनू हूँ नाम ही पूरा आया ना, इनू इतने जबरदस्ती पूरा करना ही करना जबरदस्ती है। वैसे थोड़ा इस थोड़ा जो होर होंगे ना तो पूरा, लेकिन इन पूरा हूँ करना ही पैना इतने कम अज कम थोड़ा बहुत आता हूँ मैं मसल मैं तू जगह मेरे तो भरोसा हो गया होगा कि घर की जड़ना सफाई होने लगी, क्योंकि हम पहले तुम तंग सी हूँ मैं खुद जड़ा ना काफ़ी ज़्यादा परेशान और तंग इस घर तो है खड़ा। और मैं चाह रहा कि जितनी जल्दी हो सके ना कि मैं इस घर में ना थोड़ा बहुत सैट कर लव, क्योंकि मेहमाना तो पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं बार बार कहते अच्छा नहीं लगता, मेहमाना भी काफ़ी ज़्यादा होंगे कि कदे कदे मेहमान भी आ जाते हैं फिर कोई रहने वाला हो किमें राबिया सिस्टर उरी या बई तसवर उरी आ जाते हैं, हीना सिस्टर उरी दो तीन घर ही है जिन्होंने मैं तलक है मैं ज़्यादा तलक जड़ा गा नहीं बना, क्योंकि ज़्यादा तलक बना हर बंदे जड़ा गा ना बंदे शर्मिंदा बेइज्जत बड़ा कुछ जड़ा बड़ा काम खराब हों, इस करके ना दो तीन घर है बई तसवर है वो तो समझ लो कि उस्ताद ने मेरे साढ़े तो सीनियर ने साढ़े तो पहले उन्होंने असा उन्होंने भी देख के चैनल बनाए ने वो तो समझ लो कि ना एक उन्होंने तो साढ़ा रिश्ता है ही ऐसा ना, अगर वो मसल सू कुछ कह भी लमन ना कल साढ़े खिलाफ वीडियो भी बना दे तो असं उन्होंने कुछ भी नहीं कह सकते। दूसरी गल है कि बई अहमद उरी ने उन्होंने साडा बड़ा खास तलक है और रीना सिस्टर साढ़ा खास तलक है, बाकी हूँ न्यू न्यू साडा तलक हाले खुलिया है तो हाले अगे हूँ चलेगा की हिसाब की हाले तक तो समझ को साड़ी गलबात ही होंगी आ न्यू मैं गल कर रहा हैप्पी जॉइंट फैमिली होर की काफ़ी साडा टूअर ना तो अच्छी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फस्ट टाइम साड़ी मुलाकात हुई सी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हैगी नाल चलन वाले ने, लेकिन लेकिन अगे चल के कदे मसलन कोई होर अगे मजीद अगे पिछे कदे गए ना तो मजीद एक दूसरे के बारे मसलन जानेंगे एक दूसरे का पता लगेगा। और तलक क्योंकि अज मैं इस तलक की गल इस करके कर क्योंकि ना काफ़ी सारे बहन भाई इतने आते ना तो कहते नवाज भाई ने तुसी मसलन हैप्पी जॉइंट फैमिली नू शामिल कर लिया तो भाई अहमद दौरा ही तो काफ़ी सारे ने मसलन ना तुसी ग्रुप बनाया सानू अपने ग्रुप के जोड़ा है ना मसलन शामिल करो, मैं कहना नहीं नहीं असी अपना ग्रुप जोड़ा है ना लंबा चौड़ा ज़्यादा नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले असी तीन चार माशाल्लाह फैमिली है सी एक दूसरे नाल ना काफ़ी अच्छा चलते पे साडा आपस में अच्छा तलक है एक दूसरे ते इतमाद सानू मसलन कोई पैसों की भी लोड़ पवे एक दूसरे को लै लें, पिछले दिन च मैं हूँ दस रहा कि अहमद भाई कोई जरूरत पई सी मैं लै ले सी, लेकिन हूँ माशाल्लाह मेरे इनकम आई है तो मैं उन्होंने ही दे दिते जिद जितने जितने किसी के पैसे लै दते उसने सारे पैसे दे दू के ना हूँ अलहमदुल्ला घर का बाकी कोई बचे ने ना तो घर का काम शुरू कराने इनशाला तो अगर जो खत्म हो गए रोक बल्कि खत्म तो हूँ होंगे नहीं क्योंकि चलावे ना तो उतले महीने तक फिर हूँ जितने पैसे कमाने ना सोच रहा कि जमा जोड़ा बाद और हूँ जरा सारे घर के पैसे लाने वेखी जाएगी जी होगी। और बाकी गल कर रहे तलक के पिछों घर की शुरू हो गई, तलक असी ज़्यादा लंबा चौड़ा इस करके नहीं रखते, मैं अच्छा दस दिना कि उन्होंने वास्ते जो बहन भाई आते हैं तो मसल कहते नहीं चाहते कहते कि सारे मसल गंदे ने मसल चैनल वाले सारे लोग गंदे ने काफ़ी सारे अच्छे भी होवे, लेकिन असी पहले समझ लो कि ना दो चार घर इतमाद किया बल्कि दो चार नहीं काफ़ी सारे घर इतमाद किया उन्होंने अपने मसल फैमिली के शामिल किया उन्होंने अपन जाति घर दिया गल जो मसल घर दड़ाइया आदियां ने या अगे पिछे असी बैकग्राउंड च रखना घर के हालात या अगे पिछे उन्होंने शेयर किए फिर जो बंदा रल के बहुत ना फैमिली बना लैंदा एक दूसरे हूँ अहमद भाई दर दो हालात ने या जो गल्ला बातें जो चीज़ होंगी है ना मैं पता सब तो पहले चल जाता वो मेरे ना शेयर कर देन कोई गलबात भी हो ठीक है, और अगर मैं कोई मसला होता हों एक दूसरे ना मसल कोई परेशानियाँ या बुरा अच्छा वक्त जरा शेयर करते रहने और चीज़ा आदि ने असी फिर साढ़े ना जो भी शामिल होंगे ना तो असं उनके ना बुरा अच्छा वक्त जो साढ़े ने बीत रही अगे पिछे जो गलबात है ना असं उन्होंने फिर ना शेयर करते असी दिल में ना बुगज़ नहीं रखते कि अहमद रब भाई और मेरी होर गल हो कोई होर हो तो होर हो फिर असी एक दूसरे ना शेयर गल् की जिमें हिना सिस्टर मेरे हालात का पता है मैंने उन्होंने हालात का पता है सारा मसल एक उन्होंने फैमिली मैं तसली जानना मेरी फैमिली जानते एक दूसरे ना अच्छी तरीके जानने
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਮਸਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਣ ਤੇ ਮਸਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮਸਲਾਂ ਚੁਗਲ ਖੋਰ ਵਿਚਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾ ਉਧਰਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਮਸਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਅੱਛਾ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਸਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੈਕ ਮਸਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਈ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਬਲਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਰੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਵਲਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਵਣ ਗੂ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਹਿਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮਸਲ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਨਵਾਸ ਬਈ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਲਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਲਣੀ ਕੇ ਬਾਨ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਬਹ ਆਉਣਾ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਵੈਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਵੈਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵੈਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੈਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਵੈਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਰਮ ਬਰਮ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਵੈਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਕੀ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।